ग्रीक माइथोलॉजी ऐसी माइथोलॉजी है जिसमें हमें बहुत सारे रोमांच और रहस्य को देखने मिलते हैं और उन्हीं में से एक है मेड्यूसा की कहानी। ग्रीक माइथोलॉजी में बताया गया है कि अगर कोई भी मेड्यूसा की आंखों में देख ले तो वह हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता है। मेड्यूसा दिखने में बहुत ही भयानक है जिसके सर पर बाल की जगह सांप है, लेकिन मेड्यूसा शुरू से ऐसी नहीं थी। कहा जाता है कि मेड्यूसा पहले बहुत ही खूबसूरत महिला थी जिसके बाल बहुत ही शानदार थे। मेड्यूसा देवी अथीना की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अथीना की पूजा किया करती थी। वह अथीना के मंदिर में एक पुजारन थी। इसी के साथ उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना था कि वो हमेशा पवित्र रहे। वह किसी के साथ रिश्ता नहीं रख सकती थी। मेड्यूसा बला की खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह हुआ करते थे। मेड्यूसा को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुआ करती थी। ऐसे में देवी अथीना भी मेड्यूसा से जलने लगी थी। मेड्यूसा के चर्चे इतने होने लगे थे कि वह दूर दूर तक प्रचलित हो चुकी थी। अथीना और समुद्र के देवता पोसाइडन दोनों भाई बहन थे। एक दिन पोसाइडन अथीना से मिलने के लिए उसके मंदिर में आए हुए थे। मेड्यूसा को देख पोसाइडन भी उसके प्यार में पागल हो चुके थे। यह बहुत ही दिलचस्प था कि एक देवता साधारण मनुष्य के प्यार में पागल हो चुका था। पोसाइडन ने जब अपनी दिल की बात मेड्यूसा को बताई तब मेड्यूसा ने उसे मना कर दिया और वह उसे हाँ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह एक अथीना की पुजारन थी और उसे पवित्र रहना था। पोसाइडन बार बार उसे अपनी दिल की बात बताते लेकिन मेड्यूसा की तरफ से उसे हमेशा ना ही सुनने को मिलता था। ऐसे में समुद्र के देवता पोसाइडन ने अपनी बहन अथीना से बात की लेकिन अथीना ने भी उसे इनकार कर दिया। ऐसे में अब पोसाइडन से रहा नहीं गया और वह बहुत गुस्से में आ गया। गुस्से में उसने फैसला कर लिया कि वो अब जबरदस्ती मेड्यूसा को हासिल करेगा। ऐसे में वह मेड्यूसा के पास गया। मेड्यूसा ने जब पोसाइडन को देखा तब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। ऐसे में मेड्यूसा मदद के लिए और अपनी रक्षा के लिए देवी अथीना के मंदिर जा पहुंची, लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया। ऐसे में पोसाइडन अपने मंसूबे में कामयाब हो गया और मेड्यूसा की प्रतिज्ञा टूट गई। ऐसी हालत में अथीना ने जब मेड्यूसा को देखा तो उसने मेड्यूसा को श्राप दिया। अथीना ने मेड्यूसा से कहा कि अब से तुम्हारे खूबसूरत बाल की जगह सांप होंगे और तुम भयानक और डरावनी दिखोगी। इसके साथ साथ अथीना ने यह भी श्राप दिया कि जो भी तुम्हारी आंखों में देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। उसके बाद से लोग उसकी खूबसूरती को भूलकर उसकी भयानक रूप से डरने लगे। कई लोगों ने उसको मारने की भी कोशिश की लेकिन सब नाकामयाब हुए और पत्थर के बन गए। लेकिन ज्यूस के नाजायज बेटे ने उसका गला काटकर उसे मार गिराया। आप हमें कमेंट में बताएं कि ज्यूस के उस बेटे का क्या नाम था। मेड्यूसा के धड़ में से उसका बच्चा निकलकर बाहर आया जो कि पोसाइडन का बेटा था। पोसाइडन और मेड्यूसा के उस बेटे का नाम पेगासस था।